हाँ बैठिए दोस्तों, यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे केतन कोठारी जी से, जो इंक्लूजन पे काफी काम कर चुके हैं। मुझे बताइए, लोगों की क्या विचारधारा होती है विकलांगजनों की तरफ, आपका क्या विचार है? हमेशा मैं मजाक में कहता हूँ कि जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चा रोता है और दुनिया हंसती है। हमारे बारे में थोड़ा उल्टा हुआ, हम जन्म जब लेके आए थे तो और लोग रोए, हम तो हंस रहे थे क्योंकि हमको तो पता ही नहीं था क्या। और ये जो एक बड़ा स्टीरियोटिपिकल एटीट्यूड लोगों का है कि भाई ये विकलांग है तो पिछले जन्म का पाप होगा, ये एक एक्सट्रीम है। और दूसरा एक्सट्रीम ये है कि भाई इसे खिलाओ पिलाओ, ये तो डायरेक्ट भगवान का पोस्टमैन है, इसको खिलाओगे तो अपने अगले जन्म की व्यवस्था हो जाएगी। मैं पक्का विश्वास करता हूँ क्योंकि मैंने हमेशा देखा है कि भगवान मेरा हाथ पकड़ के चलते हैं। वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि कोई पिछले जन्म का हिसाब बाकी रखे। जी जी, विकलांग के विषय में लोगों के क्या क्या अजीब अजीब ख्याल है, मैं मेरे सौभाग्य से और लोगों के दुर्भाग्य से कुछ ज्यादा ही सुनता हूँ। और लोग ये मान के चलते हैं कि जबकि ब्लाइंड है तो वो डेफ भी है, तो लोग मेरे सामने ही मेरे बारे में कमेंट करते हैं। मुझे याद है कि जब मैं और मेरी धर्मपत्नी, जब वो धर्मपत्नी नहीं थी और हम लोग डेटिंग करते थे, बड़ा मजा था वो, तो कभी कभी एक आध बार मैंने सुन लिया वो बात करता है, अरे ये लोग भी ऐसा करते हैं। मैंने, और वो ये भी समझ रहे कि मैं नहीं सुन रहा हूँ, मैंने उनको बोला क्या क्यों नहीं करेंगे, आप ही करोगे? नहीं नहीं, आपके बारे में नहीं बोल रहे, मतलब बिल्कुल आप मेरे बारे में ही बोल रहे हैं। ये मतलब अगर ये, अगर आप देख नहीं सकते तो आप रोमांस भी नहीं कर सकते, ये क्या बात हो गई? पता नहीं क्यों ऐसा मानते हैं। मैं तो बोलता हूँ कि हम तो डेटिंग से लेके कोर्टिंग से लेके सब कुछ बड़े इंटरेस्ट से, बड़े चाव से करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और शादी के 15 साल के बाद भी मेरी बीवी सोचती है भगवान ये कहीं और कहीं सोचे ना कुछ। और उसका दूसरा एक्सट्रीम ये एक और है। अभी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके साथ जा रहा हूँ आमिर जी, तो वो आपसे पूछेंगे ये खाना खाएंगे? अरे यार मेरे से पूछो ना, मैं क्या बच्चा हूँ खाना खाएंगे? देखिए आप ये मान के मत चलिए कि मेरा दिमाग भी बंद है। जी जी जी, जी। ये जो धारणा है ये एक गलत है, ये अपनी भाषाओं में भी आता है। कहीं कोई हैंडीकैप कहता है, आजकल नया चल निकला है डिफरेंटली एबल्ड, सचिन तेंदुलकर इज डिफरेंटली एबल्ड देन राहुल द्रविड एंड मनमोहन सिंह इज डिफरेंटली एबल्ड देन बोथ ऑफ देम, है कि नहीं रियलिटी? बिल्कुल। अरे भाई हम डिसेबल्ड हैं क्या, व्हाट इज रॉन्ग? वी आर वेरी प्राउड, आई एम वेरी प्राउड ऑफ बीइंग ब्लाइंड। बॉलीवुड में तो मेरी एक ही शिकायत कि बॉलीवुड ने ब्लाइंडों को केवल भिखारी बना रखा है। भिखारी या संगीतकार? या भिखारी या संगीतकार। क्यों ब्लाइंड ऑफिसर नहीं दिखाते, क्यों कोई ब्लाइंड नेता नहीं दिखा, नहीं हो सकते क्या? तो ये एटीट्यूड चेंज होने की बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। और ये क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि लैक ऑफ विजिबिलिटी है। आज आप मुझे बताइए, कहीं एक अच्छा कोई कॉफी हाउस है, कोई बड़ा होटल है, कोई बड़ा रेस्टोरेंट है, आप कितने विकलांगों को देखते हो? बहुत कम। तो अगर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को देखने लगोगे, आप ज्यादा से ज्यादा निशाएं अगर देखोगे, ज्यादा से ज्यादा केतन कृष्णकांत या साई देखोगे, तब आप ये सोचोगे कि तब हम समझ पाएंगे आपके बारे में। ये हाँ, एंड लेट मी अश्योर यू, ब्लाइंडनेस डज नॉट मीन एंड ऑफ लाइफ, इट मींस बिगिनिंग ऑफ अनदर गोल्डन लाइफ। वाह।